नरेंद्र मोदी सरकार जनता और सरकार के बीच के संवाद को सीधे तौर पर जोड़ना चाहती है और सरकार इसके लिए तकनीक को जरिए के तौर पर इस्तेमाल भी करना चाहती है। नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की और जनता को सीधे जोड़ने के लिए एक ऐसा मौका लेकर आई है जहां आप केंद्र के लिए कुछ काम करके 20,000 रुपए तक का इनाम पा सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार लगातार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। इसको बढ़ावा देने के लिए उसने दो टास्क आयोजित किए हैं। इन टास्क में अगर आप भाग लेते हैं और जीत जाते हैं तो आप न सिर्फ इनाम के हकदार होंगे बल्कि आपकी रचना देश भर में उपयोग की जाएगी। अब इसमें एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस आयोजन के लिए केंद्र सरकार सिग्नेचर टोन और लोगो और टैगलाइन तैयार करना चाहती है। इस काम के लिए मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की मदद लेने की बजाय आम आदमी को इसमें सहभाग लेने का मौका दिया है। अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं तो आप सिग्नेचर टोन बनाने में सरकार की मदद कर सकते हैं। अगर आप अच्छी लाइनें लिख लेते हैं या फिर अच्छा लोगो डिजाइन कर लेते हैं तो आप सरकार के लिए लोगो या फिर टैगलाइन लिख सकते हैं। सबसे बेहतर सिग्नेचर टोन बनाने वाले व्यक्तियों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद अन्य दो बेहतरीन टोन को 5,000 और 3,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लोगो और टैगलाइन की बात करें तो इस मामले में सबसे बेहतरीन लाइन को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर का इनाम पाने वाले व्यक्ति को 15,000 और तीसरे नंबर पर काबिज होने वाले को 7,500 का इनाम दिया जाएगा। दोनों ही आयोजन में भाग लेने के लिए आपके पास 5 दिसंबर तक का समय है। ऐसे में अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाइए और अपने हुनर के बूते सरकार से इनाम हासिल कीजिए। इन दोनों आयोजन की अधिक जानकारी के लिए आप mygovernment.in पर जा सकते हैं या आपको इन दोनों आयोजन को लेकर सारी जानकारी मिल जाएगी। अपनी एंट्री भेजने से पहले इनसे जुड़े नियम और शर्तें जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।